तो आज हम क्लास 9 फिजिक्स का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन। क्या होता है ग्रेविटेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। लिख लेते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। देखो, हमने प्रीवियस चैप्टर में जाना था कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि उस बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, तभी उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आएगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है तो मोशन की कंडीशन में रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर एक डायरेक्शन मूव कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है जो कि उसकी स्टेट को चेंज करे। आदर इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई रेस्ट चेंज हो स्टेट हो सकती है। तो हम एक चीज देखते हैं कि जब हम एक स्टोन को ऊपर थ्रो आउट करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो वो कुछ समय के बाद नीचे की तरफ आ जाता है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वो पत्थर नीचे क्यों आया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नीचे नहीं आ सकता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रही है। तो उस पर वो एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है? आंसर इज कि वो अर्थ है जो कि उस स्टोन पर फोर्स लगा रही है, जिसके कारण वो अर्थ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो कह सकते हो द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स सेंटर, टुवार्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। वो फोर्स जिसकी मदद से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होते किस तरीके से हेल्पफुल होती है, यहां देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो होती है किस तरीके से हेल्पफुल होती है, तो इट हेल्प टू होल्ड द एटमोस्फियर अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। जो अर्थ होती है उसके चारों तरफ जो एटमोस्फियर होता है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। सेकेंड, फॉलिंग ऑफ
टोन। आफ्टर रीचिंग सर्टिन हाइट, जो पत्थर होता है उसका नीचे गिरना, आफ्टर अटेंडिंग सर्टिन हाइट, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। हाँ, रिवर वाटर कमिंग डाउन, रिवर वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, रिवर वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, इट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड मेनी अदर थिंग लाइक ए रेन, जो बारिश होती है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा समझते हैं वो फोर्स होती है जो कि अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाती है, जिसके कारण वो उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाती है। और ये अर्थ के लिए हेल्पफुल रहता है क्योंकि ये अर्थ को एटमॉस्फेयर होल्ड करने में हेल्प करता है, एंड फॉलिंग ऑफ स्टोन आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट, सर्टेन हाइट को अटेंड करने के बाद में जो तो स्टोन होता है नीचे आ जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और रिवर वाटर, रेन फ्रॉम वाटर एंड एप्पल एंड मेनी थिंग, जो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं वो होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो हमारा क्वेश्चन अराइज करता है, क्या अर्थ ही ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, क्या अर्थ ही ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, क्या अर्थ ही दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? आंसर इज नो। इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा नाम क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इसका नाम होता है। अगर अर्थ लगा रही है तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अगर मून लगा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, जैसे कि सन लगा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, और एनी अदर प्लैनेट जो कि फोर्स लगा रहा है उसके नाम के अकॉर्डिंग हम उस फोर्स को बुलाएंगे। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोले? ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करना चाहें तुम कह सकती हैं, इट इज द फोर्स विद विच वन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड इट्स सेंटर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी इसे और पोजिशन और सिंपल डिस्टेंस इन बिटवीन टू बॉडीज। तुम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स
डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी मीन टू से इफ द मास ऑफ द टू बॉडी इज हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन दिस टू बॉडी इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाई और मास ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा. इफ द मास ऑफ द बॉडी इज मोर इज हाई तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो बिकम हाई ऑल्सो और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मास कम होगा तो फोर्स कम होगी. सिमिलरली ऐसे लिखते नहीं है समझ इससे ये समझ गए होगे. और दूसरा डिस्टेंस इन बिटवीन देम डिस्टेंस इन बिटवीन टू बॉडीज डिस्टेंस इन बिटवीन टू बॉडीज दो बॉडीज के बीच में कितना डिस्टेंस है. अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा और वहीं अगर डिस्टेंस दोनों बॉडी के बीच में कम है तो ऐसी कंडीशन में उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम इंक्रीज्ड. तो इन सब चीजों को देखते हुए एक साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था न्यूटन. क्या नाम था? न्यूटन. ये माना जाता है कि जो न्यूटन जो थे एक बार अपने प्लेग्राउंड में बैठे थे कहीं पे बैठे हुए थे और तो अचानक से एक एप्पल वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो वहां पे उनके सामने एक एप्पल नीचे गिरा और उन्होंने जब उस एप्पल को देखा तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया. क्वेश्चन क्या आया कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा? Why that apple falls down? और उन्होंने थ्री लॉ दे रखे थे. उन्हें पता था कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता और फोर्स लगाने वाला कौन था? अर्थ के साथ दूसरा हो कौन सकता है? तो उन्होंने एप्पल को देखा सबसे पहले. उसके बाद में उन्होंने अराउंड की और भी चीजों को देखा होगा. एप्पल तो अकेली है नहीं जो गिर रही नीचे, और भी ऐसी चीजें हैं जो नीचे गिर रही हैं. तो उसको देखते हुए उन्होंने बोला कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है. अर्थ अप्लाई द फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स. अर्थ जो होती है दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है. उन्होंने ये कंक्लूजन दिया. और वो कितना फोर्स लगाती है वो कितना फोर्स लगाती है अब ये कैसे पता चले? तो ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या नाम दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अट्रैक्ट एनदर ऑब्जेक्ट एनदर ऑब्जेक्ट विद विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज देम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन देम जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू डिस्टेंस इन बिटवीन देम। इसके लिए देखते हैं राम कैसे, सपोज करते हैं हमारा एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, इसका मास एम वन, इसका मास एम टू और दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो है हमारा आर। तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों की जो फोर्स लगेगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एम वन एम टू, दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली किसके बराबर, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन देम, जो इनके बीच डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें रिएक्टेंस फोर्स मिलेगी। ये हमारा इक्वेशन वन, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों कंबाइन कर देते, क्या करते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने पर जब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन किया तो हमारी वैल्यू बनती है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन के आर स्क्वायर, एम वन एम टू अपॉन के आर स्क्वायर हमारी इसमें वैल्यू उनके आती है। नाउ जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साथ उठाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, तो हमने प्रोपोर्शनल साइन उठाया तो कॉन्स्टेंट लगाया, क्या लगाया कॉन्स्टेंट, तो फोर्स इक्वल टू जी एम एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा बना फॉर्मूला। और देखो यहां वेयर जो जी है, हमारी जी जो है वो है हमारी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एंड जी की जो वैल्यू हमें मिलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, वो मिलती है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस के 11, इतनी वैल्यू मिलती है। और इसकी यूनिट रहती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे निकलती है इसे भी देख लेते हैं,
फोर्थ का फॉर्मूला क्या हमारे पास, जी एम एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब जी को थोड़ा सा लेने के लिए हमें कैसे करेंगे, जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू ये करना पड़ेगा। फोर्स की असाइनमेंट होती है न्यूटन, फोर्स की असाइनमेंट क्या होती है न्यूटन, रेडियस की मीटर, मीटर का होल स्क्वायर, और ये केजी, और ये केजी केजी केजी, तो कितना हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का होल स्क्वायर, ऊपर लेके तो न्यूटन मीटर स्क्वायर नेगेटिव में केजी स्क्वायर। इस तरीके से हमारी वैल्यू बनती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारे लिए कई तरीके से हेल्पफुल होती है या इसके कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। कैसे कौन कौन से, जो सोलर सिस्टम होता है, क्या होता है सोलर सिस्टम, जो अर्थ का सोलर सिस्टम होता है उसको होल्ड करने के लिए, जो अर्थ के सोलर सिस्टम को भी होल्ड करने के लिए सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण ही, सन के कारण ही अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। सिमिलरली मून जो होता है वो भी अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है। अर्थ ही नहीं बाकी के जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी अर्थ के अराउंड, अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो हमने समझा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन को गवर्न करती है। इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है और प्रोडक्शन ऑफ टाइड्स, जो टाइड होते हैं सी के अंदर, जो सी के अंदर टाइड पैदा होते हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से पैदा होते हैं। जैसे हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, हाई टाइड में वाटर हमारी तरफ आता है और लो टाइड्स में पानी वाटर जो है हमसे दूर जाता है। ये सारे एग्जाम्पल हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर रुक नहीं सकता, फिर सारे सारे फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे, और हम हल्का सा भी टच यूँ करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आगे इधर बढ़ जाएगा विदाउट रिमेनिंग स्टॉप। इसीलिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाए रखना चाहिए, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वेट होगा। जैसे देखो फोर्स होगी, जैसे क्या होता है हमने दिक्कत दिखा था कि फोर टाइडल फोर्स होती है m1 m2 के, फोर टाइडल फोर्स होती है m1 m2 के। अब देखो जरा अगर हम मास, दोनों के मास को डबल कर दें, क्या कर दें दोनों के मास को, तो मास के डबल, मास के डबल बोथ द बॉडी, और मास डबल हो जाए तो क्या होगा, वेट विल इंक्रीज, फोर्स विल इंक्रीज फोर टाइम, कितना चार गुना हो जाएगी, फोर्स विल इंक्रीज फोर टाइम। और उस तरीके से हम मास को अलग कर दें तो क्या होगा, जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी भाई वन फोर्थ टाइम। मीनू से इफ मास इंक्रीज बाई टू टाइम तो क्या हुआ, एफ इंक्रीज बाई फोर टाइम्स, कितना फोर टाइम इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। और सिमिलरली इफ मास रिड्यूस टू हाफ और मास जो है हाफ हो जाता है तो एफ
डिक्रीज बाई 4 टाइम। डिक्रीज वाई 4 टाइम डिक्रीज होगी। सिमिलरली जो फोर्स थी हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, डिस्टेंस के। अगर इफ डिस्टेंस गेट डबल, डिस्टेंस गेट डबल, डिस्टेंस डबल होता है तो फोर्स फोर्स कितनी जाएगी, फोर्स रिड्यूस टू 1/4 टाइम। फोर्स डिक्रीज डिक्रीज बाय 4 टाइम। और सिमिलरली अगर डिस्टेंस इन बिटवीन टू बॉडी आधा हो जाए, हाफ हो जाए, तो ऐसी कंडीशन फोर्स भी डबल 4 टाइम हो जाएगी। इफ डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ, डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ, फोर्स बिकम 4 टाइम। कितना फोर्स 4 टाइम हो जाएगी। हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हेल्प। एक चीज और है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलता है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन मतलब होता है कि ये लॉ जो है हर ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो और चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं और वो आप पास में रखे हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमेशा अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स। कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है केवल। कैसी अट्रैक्टिव, इसमें रिपल्शन देखने को नहीं मिलता। ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्शन देखने को मिलता है और हमें इसमें रिपल्शन देखने को नहीं मिलता। एग्जांपल देखते हैं रहा, अगर एक सपोज करो कि अगर एक हमारे बॉडी का मास है 1 kg, फर्स्ट बॉडी का मास 1 kg है और सेकंड बॉडी का मास भी 1 kg है और उन दोनों के बीच डिस्टेंस आर जो है वो भी 1 मीटर का ही है, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखो जरा, जी इंटू वन इंटू वन अपॉन वन का फुल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स होगा वो जी के बराबर हो जाएगा। डेट इज फोर्स जो होगी वो 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उतनी वैल्यू होती है जब 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट हो, 1 kg ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट 1 kg के अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर रखते हैं तो उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होती है, उसे ही हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स उसे 1 kg के दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर रहते हैं तब जो फोर्स लगती है उसी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, नोट इट डाउन।